झाड पण बघा किती मोठं आहे, त्याला डिंक पण खूप छान येतो बाबळीच्या झाडाला. आणि शेंगाचे झाड बघा कसे लाईनीत येते, 1 2. जय श्री कृष्णा, वेलकम टू राधा कृष्ण ब्लॉग. तो अभी मैं जय श्री पवार आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ. और अभी है यहाँ पे देखो, ये बबुल का पेड़ है और उस पर ढेर सारे फले लगे, मैंने बहुत सारे तोड़ भी लिए. और अभी इसको तोड़ के हम लोग बकरियों को खिलाएंगे क्योंकि उनको ये बहुत पसंद होती है. तो जाते जाते उनको लेकर चलते हैं उधर. और ये देखो, आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, हमारे इधर बहुत सारे ट्रीज है बबुल के. और ट्री हमेशा लगाने चाहिए क्योंकि जब हम ट्री लगाते हैं तो हमारे बहुत सारे काम इजी हो जाते. क्यों? क्योंकि पंछों के लिए जगह हो जाती है, हमारे लिए छाव हो जाती है, फूल फ्रूट लकड़ियाँ कुछ ना कुछ हम लोगों को उससे मिलता ही. और ऑक्सीजन तो इसीलिए तो हम लोगों को लगाना ज़रूरी है. तो अभी मैं बकरियों के पास आ चुकी हूँ और अभी उनको देना है, तो चलो उनको खिला देते. तो आज हमारे खेतों में लौकी तोड़ने का काम शुरू है और हर तीसरे चौथे दिन लौकी तोड़नी पड़ती है. और हमारे इधर मिट्टी में कंकड़ ज़्यादा है, इसलिए सूखा मिट्टी है, इसीलिए हम लोग इसको ऊपर नहीं टांगे, तभी भी हमारी लौकी बहुत अच्छे आते. और अभी ये ख़त्म होने को आए फिर भी ये बहुत अच्छे. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे तोड़ना स्टार्ट किया है क्योंकि अभी इसको तोड़ेंगे तो फटाफट से, क्योंकि आज हम लोगों को शादी पर भी जाना है. तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि ये सुबह ही काम ख़त्म करेंगे और शाम को शादी में जाएंगे. और ये दोपहर में ऐसा कुछ भी और इधर रखते थे क्योंकि हम दोपहर के बाद तोड़ते हैं, तो फिर लेकिन आज हम लोगों को रात को वापस आने में देर होने वाली, इसीलिए आप ही इसको वही रखेंगे जहाँ इसको रखना है. फिर यहाँ पर घर पे ला कर रखेंगे, तो जब भी गाड़ी आएंगी इसे ला कर यहाँ पर धो के अच्छे से भर के रखेंगे. तो पूरा लौकी निकाल कर कैरेट में अच्छे से पानी से धो के उसमें रखेंगे और फिर शादी में जाना है. तो अभी आप देख सकते हो पूरे खेत में लौकी फैली हुई है और ये पूरी ज़मीन पर है, फिर भी हमारे इधर कोई नुकसान नहीं होता. यहाँ पे बारिश भी कमी है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उसको. यदि ऐसे फैले हुए हो और बारिश लगातार चलती रहे तो पूरा का पूरा प्लॉट ख़त्म हो जाता है येलो येलो होके, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है. और अभी बस हम लोग लौकी को कट कर रहे हैं, इसे ढूंढना भी पड़ता है इधर उधर 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 तब जाके मिलता है, नहीं तो हरी पत्तियों में तो खो जाते हैं. और दूसरे टाइम मिलते हैं तो इतने मोटे हो जाते हैं फिर वो किसी काम के नहीं रहते, फिर उसको कट करके हम हमारे जानवरों को डालते हैं. लेकिन इससे अच्छा आप भी ढूंढ लेना क्योंकि बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो बेला भी ख़राब हो जाती है, इसलिए उसको तुरंत हटाना पड़ता है. 3 से 4 दिनों में बहुत अच्छे से लौकी निकालने को आती है, आप देख सकते हो. और बहुत सॉफ्ट है और ये खाने में भी हेल्दी है और टेस्टी है. और लौकी हर किसी को खाना चाहिए. ये देखो आप हमारे इधर के फ्रेश फ्रेश लौकी, एक से एक अच्छे वाले. अभी ये टोकरा भरने के बाद फिर मैं उधर जाऊँगी इसको रखने के लिए. और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक में पंछी की आवाज़ सुनाई देती है, हवा के झोंके आते हैं उससे हमारे फसल में लहरें उत्पन्न हो जाती है. और इसी तरीके से हम लोग हमारा काम करते करते
खुशी देते हैं। और फिर हम एक दूसरे की हेल्प करते करते पूरे लौकी तोड़कर बाहर निकालेंगे। और ये सारे लौकी इकट्ठा करने के बाद इसे धोकर कैरेट में भर के और हंसी मजाक बातें करते करते हुए हम लोगों का काम आप देख रहे हैं। वहाँ इतने दूर लेकर जा रहे हैं हम लोग वो घर में और यहाँ से वहाँ तक। और ये बाहरी भी होते हैं और हंसते खेलते बातें करते हुए करते हैं तो फिर उसका हम लोगों को लगता भी नहीं है कि हम लोग काम कर रहे हैं और इजी इजी हम लोगों का काम भी ख़त्म होता है और किसी के ऊपर कोई टेंशन बर्डन भी नहीं आता। और जब भी हम लोग बातें करते हैं ना तो कोई भी हो उसका काम आसानी से ख़त्म हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से हम लोग लौकी को तोड़ रहे हैं और अभी यही काम शुरू है। और सब्जी बेचने वाले जैसे दिख रहे हैं ना हम लोग, तो हाँ हम सब्जी बेचते हैं क्योंकि हम लोग उगाना जानते हैं तो बेचना भी हम लोगों को आना चाहिए, सही है ना। और पूरे लौकी हम लोगों ने इधर इकट्ठा कर लिया और अभी पूरा इसे धोकर कैरेट भरने का टाइम आया है। और अभी हम लोगों को इसे ख़त्म करने के बाद शादी पर भी जाना है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि जैसे जैसे ये चल रहा है ना वैसे वैसे सब ने एक दूसरे का साथ बटोरा और इसे को यहाँ पे लाए। और देखो फ्रेश ताज़े लौकी कितने अच्छे हैं ना, और सारे यहाँ पे डाले और बहुत सारे अभी तोड़ना भी बाकी है। ये पूरा आंगन भर जाएगा लौकियों से और इसको अभी इधर रखा है छाँव में ताकि उसे धूप ना लगे और ये ख़राब ना हो। और इसको प्लास्टिक की पिशवी में डाल सकते हैं यदि उसको ऊपर डाले तो। ये उसको ऐसा क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि वो एक दूसरे के पीछे घिसता है तो ख़राब हो जाता है, उसकी स्किन बहुत नाजुक होती है, इसी वजह से उसको आराम से लेकर जाना पड़ता है। और अभी इसको हम लोग आराम से धो के कैरेट में भर देंगे तो ये बहुत अच्छे से जाएगा बाकी। तो इस तरह से हमारा लौकी तोड़ने का काम शुरू है। और ये फटाफट किस लिए हो रहा है पता है, क्योंकि हम लोगों को शादी में जाना है। शादी में जाओ, गैदरिंग में जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन मंडी टाइम टू टाइम निकालनी होती है। तो इसी को ख़त्म करके हम लोग रेडी होके जाएंगे, बनठन के जाएंगे, फिर हम नहीं लगेंगे कि फार्मर है, लेकिन जैसा देश वैसा वैस चुटकियों में अपनाते हैं, इसीलिए हम लोग स्मार्ट किसान कहलाते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए नए अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।